शिमला पुलिस पेपर लीक भर्ती मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में क्रमिक अनशन शुरू किया है और आज क्रमिक अनशन का तीसरा दिन है। युवा कांग्रेस की ओर से न्यायिक जांच करवाने के साथ डीजीपी को पद से हटाने की मांग की जा रही है। युवा कांग्रेस ने डीजीपी को पद से हटाने पर पुलिस मुख्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी दे दी है। शिमला एसपी ऑफिस के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित पठानिया ने कहा कि जब तक हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी को पद से नहीं हटाया जाता तब तक युवा कांग्रेस का क्रमिक अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच उन्हीं अधिकारियों को सौंपी गई है जो पेपर सेट करते हैं और जिन्होंने पेपर करवाया है और उन्हीं को इस पेपर लीक जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। इसके खिलाफ जैसे युवा कांग्रेस ने क्रमिक अनशन शुरू किया है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीबीआई को जांच सौंपने की बात कही, लेकिन एसआईटी में जो अधिकारी है उन्हें नहीं हटाया गया और ना ही डीजीपी का अभी तक पद से हटाया गया है। मेरा नाम अमित पठानिया और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। डिमांड जो है शुरू से ही तीन चार डिमांडों पे हमने फोकस किया है। सबसे पहले हमारा डिमांड था कि डीजीपी जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। देखिए आज आपको जान के भी मतलब हैरानी होगी कि डीजीपी साहब पिछले 8-9 दिन से घूमने के फिराक में घूमे हैं, कहीं ना कहीं वो घूमने के उसमें है और जब से एक एसआईटी बनी है वो भी बारो बारी एसआईटी बनी। आपको जान के और परेशानी हैरानी होगी कि अपना जिन्होंने पेपर को डाला है, जिनकी जिम्मेवारी पेपर को सबमिट कराने की, पेपर को फोटोस्टेट कराने की जिम्मेवारी थी, वही लोग जो हैं एसआईटी के प्रमुख बना दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो बचे हुए सबूत थे तो क्या वो डीजीपी जो 8 दिन से बाहर है वो बचे हुए सबूत को खत्म करने में गए हुए हैं? जो जिनको एसआईटी में प्रमुख बनवाया गया है क्या वो जो बचे हुए जो तथ्य सामने आए, लोगों के सामने आने चाहिए थे, सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो उनको खत्म करने के, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे हम ये डिमांड करते हैं कि जयराम जी अपन बाहर आएं और बोलें कि डीजीपी पिछले 8-9 दिन से वो कहाँ है। दूसरी बात, डीजीपी जब से वो डीजीपी का पद उन्होंने संभाला है, खालिस्तान हो गया मुद्दा, चाहे लिक्विड शराब का मामला आ गया हो, चाहे भर्ती का दूसरी बार आ गया, ऐसा क्या प्रोसीजर हो गया कि दो भर्तियाँ जो हो गई हैं उनकी जो है सिरे नहीं चढ़ पाई हैं, कहीं ना कहीं लीकेज हुई है। तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता आधार पर डीजीपी जब तक कुंडू जी वो इस्तीफा नहीं देते हम डटे रहेंगे और जो एसआईटी हमने पहले भी डिमांड करी कि जो एसआईटी में दागी ऑफिसर है उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके। देखिए आपको एक और बात बता देता हूँ कि आज तक जितने भी पकड़े गए हैं वो सारे के सारे पेपर खरीदने वाले पकड़े हैं, बेचने वाला कोई नहीं पकड़ा गया। तो हम ये डिमांड करते हैं जिन्होंने बेचा है वो लोग कहाँ हैं, ये हमारी डिमांड है। जो पूरे जिलों में हम 12 जिलों में हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारी एक ही डिमांड है कि डीजीपी को तो तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि अगर तभी जांच वो है निष्पक्ष सामने आ सकती है। जब गुनहगार ही सामने बैठा हो तो गुनहगार के, हम ये कहते हैं कि डीजीपी के आंखों के तले और नाक के नीचे और आंखों के सामने ये चोरी हुई है, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। डीजीपी साहब आज एक भी स्टेटमेंट उनकी आज तक नहीं आई है, आपके माध्यम से एक स्टेटमेंट भी हम सुन लेते कि यार वो वीडियो वॉइस कॉलिंग भेज देते, वैसे तो वो ट्विटर और फेसबुक पे उनकी हर पोस्ट आ जाती है, यहाँ भी इनाम दिया, वहाँ नाटी डाली, ये किया वो किया, वो सब कुछ आ गया, पर जो बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है उसके ऊपर डीजीपी साहब का एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है, ऐसा क्या रीजन है? ये रीजन जब तक खत्म नहीं होगा जब तक यूथ कांग्रेस जो है धरने पर बैठी रहेगी, 100% करेगी। डीजीपी ऑफिस का हम 100% घेराव करेंगे अगर ये मांगे जो है, अगर नहीं मांगी जाती मानी जाती और हमें मजबूरन जो है वो डीजीपी का या सीएम का आवास घेराव करेंगे और इसकी जिम्मेवारी जो है वो सीएम जयराम जी खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि वो खुद होम मिनिस्टर के मंत्रालय जो है उनके पास है। मेरा नाम धर्मपाल ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ। जहाँ तक बात रही कार्यवाही की, जिस तरीके से इन्होंने हाल ही में कुछ अफसर हटाए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको हटाया गया और ये जो धांधली हुई है नीचे से ऊपर तक हुई है और जो प्रिंट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं वही एसआईटी के इंचार्ज हैं। कहीं ना कहीं इसमें डीजीपी साहब को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ जो खेल खेला गया, ठगा गया, पहले ही बेरोजगारी इतनी चली हुई है, आप देख रहे हैं डेली भ्रष्टाचार इन पे आरोप लग रहे हैं और इतना ये जो बड़ा स्कैंडल हुआ है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल आज तक का ये है, दूसरे राज्यों की तरह तर्ज पे इसको यहाँ लाया जा रहा है। हम चाहते हैं इन अफसरों के साथ, इन अफसरों पे भी कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं जो पुलिस समाज की रक्षा करती है, अन्य लोगों की सुरक्षा करती है, जब यही लोग धांधली करने लगेंगे तो और डिपार्टमेंट में कितनी धांधली होगी। हमारा केवल आपसे यही माध्यम है
टीथ पे इन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।